गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने काफ़ी बुनाई कर ली है, मुझे लगा कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, तो इसमें देखिए आज मैं कुछ अलग हट के लाई हूँ। ये बेल बनाना है, क्रोशिया से बनाई हूँ, और ये 4 प्लाई की काफ़ी बारीक वूल है उससे बनाई हूँ। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इसे आप किसी भी स्वेटर में आप डेकोरेट कर सकते हैं, जब किसी भी स्वेटर में या फ्रॉक में आप जब रिबन डालते हैं तो उसमें इसे आप डाल सकते हैं, या फिर आप क्रिसमस ट्री में इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि इसे आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, बट ये काफ़ी प्यारा लगा तो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। किसी भी कलर की आप प्यारा सा ऊन ले लें, और बारीक ऊन होनी चाहिए। ये देखिए मैंने ये 4 प्लाई की है, बट काफ़ी बारीक है, एकदम बेबी उल है, इसी से बनाऊंगी। तो पहले इसमें देखिए इतना कुछ थोड़ा सा बड़ा, इसमें देखिए इतना सा थोड़ा सा बड़ा हो इस छोड़ देना है, और यहाँ से एक नया फंदा निकाल लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए इसको अच्छा 4 चेन इसमें बनाना है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर फिर हम इस तरह से राउंड कर लेंगे। इस तरह से फिर इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम 3 चेन बना लेते हैं, 1, 2 और ये 3 चेन, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक हुआ, इस तरह से 11 बनाएंगे हम। ये 1 हुआ, उसके बाद यहाँ पर 4, 5, 6, 7। बहुत बड़े बड़े ये नहीं बनाना है, मीडियम में बनाना है, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं बनाना है। देख लूँ कितने बने हैं अपनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 और फिर ये 11। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम राउंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जितनी चेन है उसमें बनाएंगे। तो इसमें हम 2 चेन पहले बना लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट चेन हमारी दिख रही है यहाँ पर, तो यहाँ फर्स्ट चेन में हम ऐसे डालेंगे, इस तरह से। ये दूसरी चेन है, ये देखिए यहाँ पर इस चेन में भी डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है इस तरह से। इतनी छोटी, बहुत बड़ी, देखिए जितनी छोटी इसमें बनाई हूँ उतनी छोटी इसमें भी बनानी है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनानी है। सारे चेन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर हम यहाँ पर राउंड कर लेंगे, यहाँ पर से हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से
छोटे से कैप जैसी बनी। फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन बनाए इसमें। फिर जितनी चेन है उसमें देखिए एक एक डबल क्रोशिया, फिर से एक राउंड बनाएंगे हम यहाँ से। डबल क्रोशिया राउंड तक बनाने के बाद हम फिर यहाँ से हम जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर से हम डालेंगे एक चेन में, लास्ट वाले चेन में, और यहाँ से लेते हुए हम एक बार में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जॉइंट हो गए, इतना राउंड हो गया। अब देखिए क्या करना है, तीन चेन डालेंगे, एक दो और ये तीन चेन, और जितनी भी आगे इसमें चेन है उस चेन में हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चौथी राउंड है हमारी। देखिए फिर इसी चेन में, देखिए इसी होल में हम डालेंगे, फिर से इसमें एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक छोटा सा चेन बनाएंगे, फिर देखिए अगले चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो, एक दो। सेम होल में डालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए एक ही चेन में हमारे यहाँ पर दो दो चेन डबल क्रोशिया बने हैं। फिर अगले चेन में हम डालते हैं, देखिए ये चेन है, फिर यहाँ पर से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम देखिए ये सेम होल में हम डाल रहे हैं, दो बन गए। अब हम अगली चेन में बनाएंगे, अब देखिए दो बन गए। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये अगली चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर सेम होल में डालकर एक और डबल क्रोशिया, एक चेन लास्ट हमारी बची है इसमें भी हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया सेम होल में। तो देखिए टोटल हमारे यहाँ तक कवर हो गए सारे चेन। अब यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे, एक बार में ही हम धागे को खींचकर दोनों फंदे को निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से, अब इसमें इस तरह के हम लूप्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो धागे हमने पहले ही छोड़े हैं इसी से हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से एक फंदे में निकालेंगे, देखिए इस तरह से। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप देख लेंगे अपनी चेन कितनी लंबी आपको बनानी है। मैं कम से कम इसमें 8 से 10 चेन बनाऊंगी। देखिए इतनी इस तरह से आप करके देख सकते हैं। और फिर इसके देखिए एक साइड में ये है, दूसरी साइड में आप इस तरह से डालकर इसे निकाल सकते हैं। एक बार में ही आप निकाल कर इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से हमारा जॉइंट हो गया। अब इसे हम एक निडल में डालेंगे धागे को, इसे हम उल्टी साइड में फिर ये जो नीचे बचे हैं इसे भी हम उसमें सेट कर देंगे ताकि दिखे नहीं। उल्टी साइड से और ये एक्स्ट्रा वाले धागे को हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये देखिए ये बेल बनकर तैयार है। कितना प्यारा सा है। देखिए तो बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।